सूर्य कुमार यादव, इस खिलाड़ी का नाम बीते दिनों टेस्ट साइड में से ड्रॉप होता हुआ हमें नजर आया जब भारतीय टीम की वेस्टइंडीज दौरे के लिए टेस्ट स्क्वाड का अनाउंसमेंट हुआ। हालांकि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की स्क्वाड में बतौर रिजर्व प्लेयर ट्रैवल किया था सूर्य कुमार यादव ने, और ऑस्ट्रेलिया के सामने खेली गई बॉर्डर गवास्कर सीरीज में सूर्य कुमार यादव स्क्वाड का भी हिस्सा थे। लेकिन अब सूर्य कुमार यादव ने टेस्ट क्रिकेट में वापसी करने की बात ठान ली है और सूर्य कुमार यादव करने वाले हैं वापसी टेस्ट क्रिकेट के अंदर दिलीप ट्रॉफी से। लेकिन उससे पहले नजर डाल लेते हैं कि आज तक सूर्य कुमार यादव का फर्स्ट क्लास का करियर कैसा रहा है। हालांकि सूर्य कुमार यादव ने एक ऑस्ट्रेलिया के सामने मैच भी खेला था इंटरनेशनल का, जिसमें सिर्फ 8 रन बनाए थे। लेकिन सूर्य कुमार यादव के फर्स्ट क्लास के आंकड़े ये रहे स्क्रीन पर, 133 पारियों में कुल मिलाकर 5500 से ज्यादा रन है, 200 का सर्वाधिक स्कोर है, एक बार उन्होंने दोहरा शतक भी लगाया हुआ है, 28 मरतबा अर्धशतक है, 14 बार उन्होंने शतक लगाया है, 44 का उनका इस पूरे फर्स्ट क्लास करियर में जो है वो एवरेज रहा है। तो कुल मिलाकर सूर्य कुमार यादव के आंकड़े बिल्कुल शानदार हैं अगर हम नजर डालते हैं उनके फर्स्ट क्लास करियर के ऊपर। लेकिन अगर नजर डाली जाए सूर्य कुमार यादव को टेस्ट क्रिकेट में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अभी तक सिर्फ एक पारी में ही मौका मिला जहां उन्होंने 8 रन बनाए और उसके बाद उन्हें टेस्ट साइड से फिलहाल के लिए ड्रॉप कर दिया गया है। लेकिन सूर्य कुमार यादव ने अब दिलीप ट्रॉफी खेलने की ठानी है और वेस्ट जोन की दिलीप ट्रॉफी की स्क्वाड में भी सूर्य कुमार यादव का नाम आया है। इसके अलावा नजर डाल लेते हैं किन और खिलाड़ियों को वेस्ट जोन की स्क्वाड में मौका मिला है। हालांकि इसके अंदर चेतेश्वर पुजारा का भी नाम सामने आ रहा है। प्रियांक पांचाल कप्तान रहेंगे, चेतेश्वर पुजारा है, सूर्य कुमार यादव, हार्विक देसाई विकेट कीपर होंगे, पृथ्वी शॉ जिनका नाम भी अभी फिलहाल टीम में से ड्रॉप चल रहा है, हेत पटेल का नाम है, सरफराज खान का नाम, अर्पित वसावड़ा का नाम सामने आ रहा है, अतीत सेठ है, शम्स मुलानी, युवराज, धर्म सिंह जाडेजा का नाम है, चेतन साकरिया, चिंतन गाजा और अर्जुन नागजवालिया का नाम इसमें सामने आ रहा है जो खिलाड़ी वेस्ट जोन में हमें खेलते हुए देखने को मिलने वाले हैं। और सूर्य कुमार यादव भी दिलीप ट्रॉफी इस बार खेलेंगे। हालांकि दिलीप ट्रॉफी में वेस्ट जोन का जो पहला मुकाबला है वो सेंट्रल और नॉर्थ जोन में से जो भी टीम जीतेगी उसके सामने वो मुकाबला होगा जब सेमीफाइनल्स में वेस्ट जोन की टीम खेलेगी, क्योंकि पिछली बार इस टीम ने जीता था तो इसीलिए इस टीम को जो है सीधा सेमीफाइनल्स में डायरेक्ट एंट्री मिल रही है। तो ये बात कंफर्म है कि 6 जुलाई को सूर्य कुमार यादव वेस्ट जोन के लिए खेलेंगे और अगर कहीं वेस्ट जोन की टीम फाइनल में पहुंच जाती है तो उसके बाद 12 जुलाई को फाइनल खेला जाएगा दिलीप ट्रॉफी का, जिसमें सूर्य कुमार यादव खेलने के लिए अवेलेबल होंगे। क्योंकि सूर्य कुमार यादव को जो ओडीआई सीरीज खेलनी है वेस्टइंडीज में उसका आगाज 27 जुलाई से होने वाला है। तो फिलहाल के लिए यह बड़ी खबर है जहां सूर्य कुमार यादव टेस्ट क्रिकेट में वापसी पर नजरें बनाए हुए हैं, जहां पर वो दिलीप ट्रॉफी के साथ डोमेस्टिक क्रिकेट भी हमें खेलते हुए नजर आने वाले हैं। फिलहाल इस रिपोर्ट को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जरूर लाइक कर दीजिएगा इस वीडियो को और कमेंट सेक्शन में आप बताइए क्या टेस्ट क्रिकेट में सूर्य कुमार यादव को जगह मिलनी चाहिए या फिर नहीं। अभी के लिए हमें दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।